हेलो दोस्तों, दिल्ली की गौरी आज आप सभी को भारत पर्व से अवगत कराना चाहती है। भारत पर्व भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित उत्सव है जो 27 जनवरी से 31 जनवरी तक चलता है। भारत पर्व में आकर्षण का मुख्य केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। सबसे पहले कर्नाटक की झांकी। कर्नाटक की झांकी में कांग्रेस के बेलगावी सत्र को दिखाया गया है। यह कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन था। तो आइए बढ़ते हैं उत्तराखंड की झांकी की ओर। इस बार उत्तराखंड की ओर से गांधी जी को की कौसानी यात्रा से जुड़े अनाशक्ति आश्रम की झांकी को परेड के लिए चुना गया। अनाशक्ति आश्रम कौसानी। अब बारी है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की झांकी में बिरला हाउस में प्रार्थना करते गांधी जी को दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी में गांधी जी की 150वीं जयंती को दिखाया गया है। साथ ही काशी विद्यापीठ, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाया गया है। साथ ही साथ यहां काशी के घाट भी नजर आते हैं। पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की झांकी में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ गांधी जी नजर आए। अब बारी है गुजरात की। गुजरात की झांकी में ऐतिहासिक दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दर्शाया गया है। जम्मू और कश्मीर, यहाँ की झांकी में राज्य की विविधताओं में एकता को दर्शाया गया है। न्यू इंडिया, रोशन इंडिया। पंजाब की झांकी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित थी। अरुणाचल प्रदेश की झांकी में गांव के घरों और बौद्ध स्तूपों को दिखाया गया। त्रिपुरा की झांकी में हस्तशिल्प और हथकरघा दिखाया गया है। अंडमान निकोबार की झांकी में सेल्युलर जेल को दिखाया गया है। महाराष्ट्र की झांकी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नारों की झलक देखने को मिलती है। परेड में इस साल कुल 22 झांकियां नजर आई। इनमें से 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की और 6 केंद्र के सरकारी मंत्रालयों और विभागों की झांकियां थीं। भारत पर हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा और इसमें प्रवेश निःशुल्क है, परंतु अपने साथ अपना पहचान पत्र ले जाना ना भूलिए। गणतंत्र दिवस परेड झांकी के अलावा सशस्त्र बल बैंड द्वारा प्रदर्शन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा फोटो प्रदर्शनी भी यहां के मुख्य आकर्षण हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।